आप भाभी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। देखिए, बोलो। अब अगर आपका स्टेटस हायर हो ही गया है तो अपना लाइफ स्टाइल भी थोड़ा इम्प्रूव कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी, आप डिनर पे इतने इतने फैंसी कपड़े पहन के गई थी। हमारे ऐसा नहीं होता है। लेकिन ताबिश और मामा कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। भाई, आपको कुछ क्यों कहेंगे भाभी? और मम्मी ने ये सोचा होगा कि आपकी क्लास में तो लोग तैयार ही ऐसे होते, तो कुछ कहने का क्या फायदा, राइट? मेरी बात माने, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, बदलें अपने स्टाइल को, वरना भाई कहीं तंग ना आ जाए आपसे। सोचिएगा इस बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड टू सी यू। सारिम भाई, मीट माय फ्रेंड सैरिश अहमद। सैरिश, सैरिश, सब खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? हौसला हौसला, सब खैरियत है। बस एक बात बतानी थी। बताओ भी, क्या हुआ है? प्यार। What? I am in love. I mean, किससे? कौन है वो जिसे? आराम आराम से बताती हूँ, इसलिए बुलाया है क्योंकि क्योंकि उससे मिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कौन है जिससे मिलवाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है? सारिम। कौन सारिम? अरीशा, तुम्हारे कजन, तुम्हारे सारिम भाई। सारिम भाई? सैरिश, तुम्हें इस वक्त और कोई प्रैंक नहीं सूझा? अब मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, आई रियली रियली लाइक हिम, और तुम्हें हमारा इंट्रोडक्शन कराना होगा। अच्छा, लेकिन सैरिश, सारिम भाई तुमसे बड़े हैं और वो। अरीशा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। वो जैसे भी हैं अब मेरे। लेकिन सैरिश, सारिम भाई और तुम्हारी पर्सनैलिटीज काफी डिफरेंट है, और वैसे भी चलो। थैंक यू, जाओ और जाके दरवाजा भी बंद कर देना।